गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राजकुमार रघुवंशी, आप देख रहे हैं PVR स्टडी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आपकी DLED का फर्स्ट सेमेस्टर क्लास शुरू हो चुकी है। DLED का प्रथम सेमेस्टर, क्लास को पूरा देखना समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी होगी। देखिए, आज हम देखेंगे साथियों कन्वर्जन। कन्वर्जन में जैसे आप जानते होंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना, और आपने देखा होगा जो तरल पदार्थ होते हैं, लीटर से ml में आप तेल लेते होंगे, दूध लेते होंगे, तो कहते हैं भाई 500 ml का दूध दे दीजिए या फिर 500 ml दूध दे दीजिए। तो 500 ml में कितना लीटर होता है, 250 ml में कितना लीटर होता है, ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे कहा जाए कि अगर प्रयागराज से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर है तो वो कितने मीटर में होगी, मीटर में क्या होगा, ये सब निकालेंगे। ठीक, पहले सवाल का जवाब तुरंत दीजिए, 1500 ml में कितने लीटर होते हैं, जल्दी बताओ 1500 ml में कितने लीटर होते हैं। मिलीलीटर में दिया, लीटर में पूछा है, आगे आंसर देखिए, तुरंत बताइए फटाफट। मतलब छोटे से क्या करना है, बड़े नंबर में लाना है, ml से क्या लाना है, लीटर में लाना है। क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे ना इसको, क्या करोगे 1000 से भाग करोगे तो आप पाओगे क्या मिलेगा, 1.5। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हर कोई जानता है ना, 1000। लेकिन यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि ये सब याद कैसे करते हैं, जिनको नहीं याद है ध्यान से देखना, इसलिए क्लास को पूरा देखना। देखिए साथियों, यहाँ पर समझना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई चीज़ रटने से नहीं याद होता है कि आपने रट लिया कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो बस वही हुआ, मतलब को आपको समझना होता। जैसे देखिए इधर हम जो बात लिखेंगे उसको नोट करिए, सभी के लिए होगा ये, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर डेका हेक्टो किलो, ये आपके पास क्या है, 7 मतलब राशियां हैं, मात्रक हैं, इनको याद रखना, इसी में सब आ जाएगा। देखो मीटर, ये जब दूरी का नापेंगे तो मीटर हो जाएगा, तरल पदार्थ वगैरह नापेंगे तो लीटर लेंगे, और कोई ठोस वस्तु नापेंगे तो ग्राम में, ठीक ना। अब जिस चीज़ को लेके चलना है उसी को यहाँ सबके आगे लगा दो, अगर लीटर वाला है तो मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, अगर मीटर वाला है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब के आगे वही लगा दो, ठीक ना। तो पहले हम मीटर वाला देखेंगे, और सब मिटा दो, केवल मीटर वाला। आप ज़रा ध्यान से देखना, अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर है ना, तो ये बहुत ही आसान है, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, बस केवल समझ लेना है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा कैसे जानेंगे, देखो साथियों मीटर यहाँ पर है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, मतलब ये ऐसे लाइन जा रही ना, जा रही है, ठीक। अब आप मीटर को छोड़ करके गिन लो, मीटर को छोड़ करके गिन लो, 1 2 2 अंक पर है ना, यानी कि 1 के बाद 2 0 हो जाएगा, ठीक। और अगर वैसे यहाँ पर 1 km है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इसमें कितना सेंटीमीटर होगा, देखिए अगर आप 1 मीटर में जानते हैं 100 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना, यही होता है। तो इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है, 1 किलो को सेंटी में बदलना है। देखो बहुत आसान है, गिन लो किलो के बाद वाला, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर पे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 0 बढ़ेगा 1 के बाद, ये हो गया आपका कौन सा, मीटर में बदलना हो गया, ये क्या है मीटर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आया, सॉरी 100 सेंटीमीटर, ये समझ गया ना, मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ था, इसलिए गिन लिया 1 2 तो 2 0 बढ़ गया। उसी तरह से 1 किलोमीटर को क्या करना था, किस में ले जाना था,
मिलीलीटर में 1 2 3 4 5 सेंटीलीटर में ये क्या हो गया सेंटीलीटर। ठीक आगे देखना, ये जब ऊपर को जाएगी लाइन तभी ये लागू होगा, अगर नीचे का कुछ करना है निकालना है तो क्या करोगे ध्यान देना। अगर 1 सेंटीलीटर में मीटर पूछा जाए, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो कैसे करोगे, यहाँ पर लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। सो कितना सेंटीमीटर का निकालना है ध्यान देना, यहाँ पर हम बताने वाले क्या आपको, एक मिनट देखना। अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है ये आपको निकालना है। देखिए अब ध्यान देना, सेंटीमीटर में मीटर बताना यानी कि ऊपर से नीचे आना है। अब देखो 1 2 3 कुल 3 है ना, इसमें से एक कम जोड़ेंगे, मतलब ऐसे जोड़ लो 1 2। ठीक तो 2 मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 जीरो होगा, ऐसे सीधा फीधा ना होगा, अगर ऊपर से नीचे को झुकेगा तो ऐसे होगा 1/5। और बस लिख दो जो भी दिया गया है, 1 2 दूसरे नंबर पर है 100, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक बात समझ में आई ना, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर किलोमीटर का पूछे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ध्यान से देखना, किलोमीटर यहाँ है मीटर यहाँ पर है, गिन लो 1 2 3 क्या है 3 है। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान दो एक बात, किलोमीटर से मीटर नीचे से ऊपर जाना है ना, तो नीचे से ऊपर जाना है तो क्या होगा, चिन्ह वैसे का वैसे रहेगा, प्लस ही रहेगा, यानी कि 1/1000 इक्वल 0.5, छोड़ दीजिए इतना ही ठीक है। 1 किलोमीटर में 1/1000 क्या हो रहा है मीटर, बात समझ में आई ना, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, आप सभी के बहुत ही काम का है ये बात। ठीक ना हो गया, तो साथियों इसके आगे कल हम आपको बताएंगे, आप क्लास जरूर देखना, अगली 8 बजे से लाइव होगा। ठीक है आज ये क्लास बहुत छोटी थी, आप लोग कुछ क्वेश्चन कर लेना इसमें।